नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करेंगे देश में हो रहे विज्ञान की दुर्दशा के बारे में, उसकी दुर्गति के बारे में कि क्या उसकी हमारे नेताओं ने वाट लगा रखी है। देश की तरक्की को जीडीपी की नज़रिए से मत देखिए जनाब, देश सच में तरक्की कर रहा है। आपको तो पता ही है कि तरक्की का पैमाना क्या होता है, विज्ञान टेक्नोलॉजी। शायद यही कारण है कि हमारे देश के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, जज सब के सब वैज्ञानिक बने हुए हैं, साइंटिस्ट बने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। और तो और, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी वैज्ञानिक समझ रखते हैं। आप उनका पहले ये वीडियो देखिए। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। दुनिया में पिछले 100-200 सालों में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जितनी भी वैज्ञानिक खोजी हुई है, वो सब हमारे यहाँ तो हजारों लाखों साल पहले ही खोजी जा चुकी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दावा किया है श्री के जे कृष्णन साहब ने जब वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें अधिवेशन सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि महाभारत में जो कौरव हैं, यानी कि गांधारी के 100 पुत्र, वे सब टेस्ट ट्यूब बेबी थे। यानी कि उस समय का विज्ञान इतना उन्नत था, इतना एडवांस था कि बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय उन्नत किस्म के, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज भी उड़ा करते थे। आइए थोड़ा इन सब बातों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए, दो बातें होती हैं, एक है हिस्ट्री, एक है माइथोलॉजी। जहां माइथोलॉजी मान्यताओं के आधार पर, पाखंड के आधार पर, झूठ के आधार पर काल्पनिक कहानियां होती हैं, वहीं इतिहास रिसर्च बेस्ड प्रूफ के साथ वैज्ञानिक एनालिसिस होता है, यानी कि एक तरीके का विज्ञान होता है जिसमें कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन जिनका पूरा साम्राज्य ही झूठ और पाखंड पर टिका हो, वही लोग माइथोलॉजी को इतिहास यानी कि हिस्ट्री के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, वही लोग माइथोलॉजी को ही इतिहास बताते हैं ताकि समाज में वैज्ञानिक चिंतन न विकसित होने पाए, समाज का विकास न होने पाए और उनका धर्म का साम्राज्य हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ माइथोलॉजिकल किताबें हैं। दोनों ही ग्रंथ 8वीं सदी के बाद लिखे गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 8वीं सदी के पहले का ऐसा कोई भी साक्ष्य यानी कि प्राचीन अभिलेख संस्कृत में नहीं मिलता है। उसके पहले के जो भी रिकॉर्ड मिलते हैं वो सब पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। जैसे बात करें मौर्य काल से लेकर के कुषाण काल तक, गुप्त काल से लेकर के हर्षवर्धन काल तक, सारे के सारे रिकॉर्ड, सारे के सारे प्राचीन अभिलेख पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इतना ही नहीं, 8वीं सदी के पहले किसी भी माइथोलॉजिकल देवी देवता के ना तो मंदिर मिलते हैं, ना उनकी मूर्तियों के अवशेष नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में संस्कृत कभी भी आम जनमानस की भाषा रही ही नहीं है। इसको तो समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा एक कोड भाषा के रूप में विकास किया गया, क्योंकि सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सारे के सारे माइथोलॉजिकल किताबें हैं, वो सब संस्कृत में ही लिखी गए हैं, जबकि आम जनमानस की भाषा ये थी नहीं। संस्कृत का कोई भी शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र ईसा से पहले का नहीं मिलता है। ईसा के बाद ही मिलता है संस्कृत में लिखा हुआ कोई भी अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख। इसलिए पुरातात्विक आधार पर हम कभी नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत भारत की पुरानी भाषा है। यहाँ तक कि ईसा से पहले जो भारत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसको लोगों ने पढ़ा, सम्राट अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, तो वो तो सारे तमाम अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, संस्कृत में तो कोई अभिलेख ही नहीं है। इसलिए संस्कृत प्राचीन भाषा है यह कहना बिल्कुल गलत है, और गलत इसलिए भी कि जिस संस्कृत से लोग बताते हैं कि पाली का विकास हुआ है, लेकिन उस पाली में संस्कृत का
या उस प्राकृत में संस्कृत का एक भी शब्द नहीं है। अगर संस्कृत से पाली प्राकृत का जन्म हुआ होता तो निश्चित रूप से संस्कृत के कुछ शब्द उसमें रहते, लेकिन एक भी नहीं है। अपभ्रंश में भी नहीं है संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, वो भी तुलसीदास और तुलसीदास के बाद, और ख़ास तौर से संस्कृत के शब्दों का मिश्रण सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में तब हुई जब छायावाद युग का आगमन हुआ। नहीं तो आप कबीर की भाषा का स्टडी कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, कबीर ने संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया, संधि समास का किया, नहीं किया है। ये आर्टिफिशियल भाषा है, इसको गढ़ा गया है और उस वर्ग ने गढ़ा जिस जो वर्ग चाहता था कि हमारी भाषा को आम जनता न समझे। आप कालिदास के नाटक को पढ़ लीजिए, कालिदास के नाटक में जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं और नीची जाति के लोग प्राकृत बोलते हैं। अगर हम गांधारी के बच्चों को यानी कि कौरवों वाली बात को, टेस्ट ट्यूब वाली बात को सच मान भी लेते हैं तो भी महाभारत में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं फिर जिनको हमें सच मानना पड़ेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसी में लिखा है कि राजा रंतिदेव के जो किचन है उसमें रोजाना 2000 गायें काटी जाती थी जिससे एक चरमती नाम की नदी बहती थी। घड़े से बच्चे पैदा होने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सरकंडे से, मछली के पेट से, पानी से, पसीने से, सूरज से तक बच्चे पैदा किए गए हैं। अब आप इन सब बातों के बारे में क्या कहेंगे, इन सब को कैसे सही ठहराएंगे? रामायण की बात करें तो ये ग्रंथ भी 8वीं सदी के बाद की ही रचना है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें जो वर्णित विमान है यानी कि पुष्पक विमान, वो बात भी सिर्फ एक कल्पना ही है, वो एक काल्पनिक उड़ान ही है, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं मानना चाहिए। इसी तरीके से अरबी उपन्यास जो है अलिफ लैला, आपने शायद सुना भी होगा, उसमें भी कई प्रकार के उड़न खटोले यानी कि उड़ने वाले खटोले, उनका जिक्र है। उसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब, इनके कई असली इलाकों का भी जिक्र है, लेकिन कोई भी अरबी आदमी ये दावा नहीं करता कि उस समय का विज्ञान इतना उन्नत था कि उड़न खटोले हुआ करते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक कल्पना है, ये एक उपन्यास है। पर हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि धर्म ग्रंथ में जो विज्ञान है इसकी बातें केवल हिंदू धर्म के धर्म गुरु करते हैं, ऐसी बेवकूफी वाली बातें तो सारे धर्म गुरु करते हैं, सभी धर्मों के धर्म गुरु करते हैं। जैसे मैं एक आपको और एग्जांपल बताता हूँ, जाकिर नायक का, आपने सुना ही होगा, तो उसने धरती गोल है इस बात को साबित करने के लिए कुरान की आयत में वर्णित एक द हा हा शब्द है उसका अर्थ ही बदल दिया। असल में द हा हा का अर्थ होता है बिछा देना। वो जो आयत है उसमें अल्लाह खुद कहता है कि हमने धरती को बिछा दिया, लेकिन इसको जाकिर नायक इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि द हा का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अंडा तो गोल होता है, तो इस लॉजिक से उसने क्या किया कि धरती को गोल है ऐसा साबित कर दिया। वल अर्द बाद ज़ालिका दहा, वल अर्द बाद ज़ालिका दहा मींस एंड देन वी मेड द अर्थ एक्सिस्ट। धर्म ग्रंथों में विज्ञान को साबित करने वाले लोग भले ही उसमें से विज्ञान की एक बूंद भी ना निचोड़ पाए हो, लेकिन दावे तो ऐसे करते हैं जैसे उनके धर्म ग्रंथ में वो विज्ञान तो हजारों साल पहले से ही है। वे उन ग्रंथों में जो वर्णित कुछ श्लोक हैं, आयत हैं, उनके अर्थों को तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से समझा भी देंगे कि उनके जो अंधभक्त हैं, फॉलोअर हैं, वो उनको सही मान भी लेते हैं, एक तरीके से वो सच साबित कर देते हैं। इसी तरीके से वेदों में विज्ञान ढूंढने वाले लोग भी करते हैं। धरती के बारे में स्पष्ट तौर पर वेदों में कई जगह लिखा है कि ये अचला है। अचला मीन्स कि आ मीन्स न, मतलब चला मीन्स चलना, तो अचला का अर्थ हुआ मोशनलेस, जिसमें कोई गति ना हो। लेकिन आपको तो पता ही है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, गतिशील है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जब अर्थ को अनर्थ कर दिया जाए, जब शब्दों के अर्थ ही बदल दिए जाएं, तो कुछ भी साबित किया जा सकता है। तमाम बड़े दावों के बावजूद भी जब हम देश की जो वर्तमान स्थिति है करंट की,
उसके जो मूल कारण है, दयनीय स्थिति के मूल कारण है, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हम पाते हैं कि जो असली समस्या है वो हमारी खुद की मानसिकता में है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी मान्यताओं पर संचालित होती है, उनके अनुसार तय होती है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ हमें अज्ञानता, अंधविश्वास, भेदभाव या फिर कर्मकांड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देते हैं, विज्ञान की उसमें से एक बूंद भी नहीं निकलती है। इसीलिए जब धार्मिक लोग मंगल ग्रह से अपने अमंगल न होने की प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी समय वैज्ञानिक लोग उनके द्वारा निर्मित यान मंगल ग्रह की धरती पर, उसकी मिट्टी पर, उनके यान वहाँ पर चल रहे होते हैं। जब धार्मिक लोग कल्पना करते रहते हैं कि कोई पुष्पक विमान था, उसी समय वैज्ञानिक लोग मेहनत करते रहते हैं और अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे देते हैं। आज हमें हवाई जहाज देखने को मिलता है, हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, जो सच में उड़ते हैं, आपने शायद बैठा भी हो। जब धार्मिक लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं, देवताओं से दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उसी समय अंग्रेज लोग, यानी कि जो विज्ञान के आविष्कार से परिचित हो चुके हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, अपने तोप गोलों बंदूक के जरिए हमें गुलाम बना लेते हैं और हम तीर भाले गदा त्रिशूल से लड़ते ही रह जाते हैं, वो हमारे धरे के धरे ही रह जाते हैं। सही माने में देखा जाए तो आज इस देश में जो कुछ भी अच्छा है वो संस्कार, धर्म या पुरातनपंथी की वजह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक खोजों की वजह से ही अच्छा है। हमारे संस्कार तो औरतों को जिंदा जला देने की प्रेरणा देते आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सती प्रथा की, जिसको जिसके बारे में आज भी कुछ लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। इतनी अमानवीय प्रथा को अंग्रेजों ने, वैज्ञानिक सोच वाले लोगों ने ही बंद कराया था। हमारे यहाँ भी उन लोगों को, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, उनको तक इसका विरोध का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो एक प्रथा का विरोध कर रहे थे, एक जो ह्यूमन थिंकिंग है उसके अनुसार ये तो गलत है ही, इसका विरोध कर रहे थे। यही है हमारी झूठी संस्कृति, यही है हमारी घिसी पिटी संस्कृति जिस पर हम गुमान करते रहते हैं। अरे आज तो धर्म भी विज्ञान की बैसाखी पर खड़ा है, यकीन नहीं आता। आप अपने आसपास खुद ही देख लीजिए, आज अगर धर्म टेक्नोलॉजी का यूज ना करे तो वो एक पल नहीं टिक सकता समाज में। आज आपको पता ही है कि धर्म इंटरनेट का यूज करता है, कंप्यूटर का यूज करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब का यूज करता है अपने प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए। लाउडस्पीकर, ट्रेन, बस, बिजली, आप कुछ भी सोच लीजिए, जो भी विज्ञान के आविष्कार है वो सब का विज्ञान धर्म यूज करता है। अगर धर्म उन सब का प्रयोग ना करे तो एक पल भी नहीं टिक सकता। इसीलिए हमें हर हाल में वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान होता, विज्ञान का सार होता, उसमें थ्योरी होती, तो आप खुद बताइए सारे खोज विदेशों में क्यों होते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी कि दुनिया के 400 शीर्ष वैज्ञानिकों में भारत के मात्र 10 वैज्ञानिक थे। कितनी शर्म की बात है। गैलीलियो हो, कोपरनिकस हो, डार्विन हो, इन सब ने धर्म के विरुद्ध जाकर ही अपनी थ्योरी दी, अपनी, यहाँ तक कि वो अपनी जान की बाजी भी लगा दिए थे उन्होंने सिर्फ विज्ञान के लिए। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमें अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को बारूद से उड़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप अपने तर्क रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।